हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जयपुर ट्रेडर्स क्लब में। दोस्तों, यहाँ हमने बैंक निफ्टी 38,000 के कॉल को शॉर्ट किया 75 क्वांटिटीज में किया हुआ है, और वहीं मैंने यहाँ 39,000 का कॉल 75 क्वांटिटी में बाई किया हुआ है। ये बाइंग मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ मार्जिन पाने के लिए की हुई है दोस्तों। और यहाँ जो मेरा आज का जो सिनेरियो है मार्केट में, आज मैं बेयरिश हूँ। ओके, आज मार्केट का यहाँ बेयरिश हूँ। क्या सेटअप था, क्या लॉजिक था, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि करंटली हम लोगों को यहाँ 1100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, सेटअप क्या है, सिंपल सेटअप है दोस्तों। ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये सपोर्ट लेवल, मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को बार बार टेस्ट किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स में यहाँ इसने इसको टेस्ट किया हुआ है दोस्तों। यहाँ टेस्ट किया हुआ है, यहाँ टेस्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ टेस्ट करते करते मार्केट ने यहाँ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, थर्ड टाइम इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं हुआ, अप गया, अगेन इसको ब्रेक किया हुआ है, और इसी लेवल के आसपास मार्केट यहाँ कहीं मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, सिंपल लॉजिक था, इस लेवल पर मैंने यहाँ शॉर्ट किया हुआ है। दूसरा क्या लॉजिक है दोस्तों, यहाँ से ये ट्रेड लाइन थी सिंपल हम लोगों की, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया था अपनी ट्रेड को उस हिसाब से, तो मैं यहाँ से अगर ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था बार बार। ओके, आज के दिन भी सपोर्ट लिया था, तो इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से एक क्लियर सिनेरियो बना हुआ कि मार्केट इस लेवल के नीचे ही रहेगा। तो मैंने यहाँ 38,000 का कॉल को यहाँ शॉर्ट किया 75 क्वांटिटी में। ओके, अब क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। टारगेट सिंपल है, जिस हिसाब से मैंने ये देखिए ये जो जोन बनाया हुआ है, मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो हम यहाँ से 30 या 35 पॉइंट के आसपास अपना प्रॉफिट लेकर के यहाँ से निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस क्या है हम लोगों का, स्टॉप लॉस भी हम लोगों का वही 30 पॉइंट के आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस है। और दूसरा, अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को अपसाइड में ब्रेक करेगा तो हम यहाँ अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अभी करंटली हम लोगों की ट्रेड पॉजिटिव में चल रही है, यहाँ हम लोगों को 1150-1150 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। वीडियो में बने रहे, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओके, लॉजिक क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है सिंपल। आगे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से ये फॉल हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, अगेन यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है। और इसके अगेंस्ट अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आता है और इस लेवल के आसपास कहीं आता है तो हम अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, जो भी हम लोगों का यहाँ लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो लेकर निकल जाएंगे। वीडियो में बने रहें, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों, यहाँ हम लोगों का प्रॉफिट है वो टर्न अराउंड हो चुका है, 400 और 300 के लेवल के आसपास आया हुआ है। ओके, अभी यहाँ ये देखिए एक अच्छा खासा अप मूव, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस लेवल यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया है। अभी मैं क्या प्लान कर रहा हूँ दोस्तों, अगर यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलता है इस लेवल से तो हम ट्रेड में सस्टेन करेंगे, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हम अपनी ट्रेड को यहाँ से एग्जिट कर देंगे। इसमें करंटली हम लोगों को 400-300 के आसपास हम लोगों को यहाँ से प्रॉफिट चल रहा है। एक्चुअली यहाँ से होगा क्या कि दोस्तों, ये जो यहाँ जो लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, मार्केट वो यहाँ हिट करने के लिए आ सकता है और यहाँ से एक रिजेक्शन फेस करने को मिल सकता है मार्केट को इस लेवल से। ये जो मैंने रेड कलर का यहाँ जो बॉक्स बनाया हुआ है इस लेवल से, तो ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे नीचे सस्टेन करता है तो हम लोगों को यहाँ ट्रेड में प्रॉफिट रहेगा, और अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोगों को यहाँ लॉस देखने को मिल सकता है। अभी करंटली हम लोगों को यहाँ 485 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 500। वीडियो बने रहें, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों, मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए मुझे अपनी ट्रेड को यहाँ एग्जिट करना पड़ेगा, मैं अभी यहाँ से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ इसलिए। ओके, तो यहाँ मुझे अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में, जिस हिसाब से यहाँ से देखिए यहाँ से रिटेस्ट हुआ है, रिजेक्शन फेस हुआ है इस मेजर ट्रेड लाइन से। तो अभी करंटली हम लोगों को यहाँ 900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को कि यहाँ से मेजर ट्रेंड लाइन में यहाँ से देखिए रिजेक्शन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्शन फेस किया मार्केट ने, तो यहाँ से और 100-125 पॉइंट के आसपास का, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, उस हिसाब से यहाँ हम लोगों की जो पोजीशन चल रही है 957 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ओके, इसको थोड़ा 1000 में के आसपास मैं इस पर एग्जिट करता हूँ जैसे अपना प्रॉफिट होता है, क्योंकि अभी मुझे कहीं बाहर जाना है इस वजह से। वीडियो बने रहे, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन वीडियो में। टाइम हो चुका है 3:42 में, मार्केट बंद, मार्केट क्लोज हो चुका है दोस्तों। ओके, ये वीडियो में अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमने इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम लोगों की फाइनल पोजीशन क्या रही है और हमने उस ट्रेड के बाद में और कौन कौन सी ट्रेड ली थी और वो पहले जो हमारी फर्स्ट ट्रेड चल रही थी वो कहाँ एग्जिट हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं फाइनल पोजीशन पर। तो दोस्तों, आज के दिन हम लोगों ने फाइनल प्रॉफिट बुक किया है 3548 रुपये का। ठीक है दोस्तों,
ये जो है यहाँ हमारी फर्स्ट ट्रेड थी, फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों के यहाँ 3203 रुपये का ये प्रॉफिट, और यहाँ से 296 रुपये का ये लॉस चल रहा था। तो ये फर्स्ट वाली जो ट्रेड थी हेजिंग वाली, उसमें ये करंट प्रॉफिट और लॉस चल रहा था, इसमें हम लोगों को 2907 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में दोस्तों आपको देख रहा होगा यहाँ जैसे 200 रुपये का एक लॉस भी दिख रहा है, 11 रुपये का भी दिख रहा है, और 856 रुपये का एक प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक नेक्ड 37,500 का पुट यहाँ सेल किया हुआ था। सेल करने के बाद में मार्केट मेरे अपोजिट में गया था, लेकिन मैंने यहाँ ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, और उस हिसाब से जो मेरा टारगेट था, टारगेट भी अपना अचीव हुआ था उसके बाद में, लेकिन बिना रिस्क लिए मैंने इसको यहाँ से एग्जिट कर दिया 200 रुपये के लॉस पर, यानी कम के लॉस पर। उस हिसाब से फिर हम लोगों का जो प्रॉफिट था 2707 रुपये पर रह चुका था। इसके बाद में अगेन मैंने एक शॉर्टिंग की थी, शॉर्टिंग की थी दोस्तों कितनी बजे ये देख सकते हो आप, 2:57 पर मैंने अगेन एक हेजिंग के साथ में शॉर्ट की हुई थी, यानी कि इसको मैंने 37,400 के पुट को मैंने 18 रुपये 87 पैसे पर शॉर्ट किया हुआ था, और इसी को मार्जिन के लिए मैंने यहाँ 70 पैसे पर एक 36,700 का पुट भी बाई किया हुआ था, और इसको एग्जिट किया हम लोगों ने 3:04 पर, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ से हम लोगों ने 7 से 8 मिनट में अपनी ट्रेड को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद साथ साथ ही हम लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया था 856 रुपये का ये, और 11 रुपये का यहाँ लॉस। अब आते हैं सेटअप पर, सेटअप क्या था दोस्तों आज के दिन मेरे यहाँ मार्केट में बेरिश होने का कि यहाँ आज मार्केट डाउन साइड में रहेगा। तो दोस्तों मेजर रीजन जो है वो है दोस्तों, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ कल मार्केट आज शुरू होने से पहले एनालिसिस कर लिया था कल के दिन, और कभी भी मैं आप लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि कल के दिन ट्रेडिंग करने से पहले आज मार्केट ने क्या मूवमेंट दिखाई थी वो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आपके लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल डिफाइन हो जाते हैं, आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है। उस हिसाब से 50 मिनट के चार्ट पर जिस हिसाब से देखिए यहाँ से मैंने डेडलाइन ड्रॉ की हुई थी, तो ये देखिए यहाँ रिजेक्शन फेस हुआ मार्केट को, सेकंड टाइम यहाँ रिजेक्शन फेस हुआ, ओके अगेन यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट अप मूव दिखाया, अच्छी खासी रैली की अप रैली, लेकिन इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन फेस हुआ थर्ड टाइम, और फोर्थ टाइम आज के दिन में यहीं से रिजेक्शन फेस हुआ। तो कल के दिन जब मैंने यहाँ एनालिसिस किया तो थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ, ये ट्रेड लाइन में ड्रॉ की हुई थी, तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहां से एक रिजेक्शन फेस कर सकता है इसी ट्रेड लाइन के आसपास से। ओके मैंने अपनी ट्रेड को एक्जीक्यूट कराया, क्यों कराया था, 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं तो ये देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है कि ये एक मैंने 5 मिनट के चार्ट पर ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, 5 मिनट के चार्ट पर भी ये मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई थी छोटे टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट ने आज भी यहीं से रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो हम लोगों की ट्रेड क्यों एक्जीक्यूट हुई थी, सबसे पहले रीजन हुआ है, रीजन ये दोस्तों कि मार्केट के ओपनिंग के बाद मार्केट ये जो मेजर सपोर्ट लेवल था यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, इससे पहले मार्केट ने यहाँ ये रेजिस्टेंस के जैसे फेस हुआ, ये टूटा, सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, ये टूटा, और टूटने के बाद मैं यहाँ वेट कर रहा था कि अब यहाँ से जो सपोर्ट लेवल था मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर सकता है ये लेवल। लेकिन यहां से मार्केट ने जब हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट की तो हम लोगों को यहां 700, 800 और 1000 रुपए के आसपास यहां लॉस चल रहा था। वो इसलिए चल रहा था कि यहां ये जो सपोर्ट लेवल था ये रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट नहीं करके ये अगेन टूट गया, और ये रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट नहीं करके इसके ऊपर मार्केट आ गया, और यहाँ मैंने लेवल डिफाइन कर रखे थे कि यहाँ मार्केट ये जो लेवल मैंने डिफाइन किया होता कि ये जोन मार्केट इस जोन तक मार्केट आ सकता है, यहाँ से रिजेक्शन फेस करने को मिल सकता है। उस हिसाब से मार्केट ने यहाँ डाउनफॉल दिखाया, और यहाँ 11 बजे के आसपास हम लोगों को 1700 कुछ रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने यहाँ एग्जिट नहीं किया, और उसके बाद में मैंने यहाँ अपनी रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी। ओके तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि अभी मुझे वीडियो के एंड में कि मुझे कोई काम आ रहा है, तो उस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, जो भी है मैं फाइनल आप लोग के साथ अपडेट कर दूंगा। उस हिसाब से मैं यहाँ से चला गया, और ये मैं यहाँ कॉन्फिडेंट इसलिए था दोस्तों, यहाँ से अगेन मार्केट अपने रिवर्स में आया था, लेकिन यहाँ मैं फिर भी रुका रहा था। रुका किस लिए रहा था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो मेजर ट्रेड लाइन थी यहाँ से मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा था, बड़े टाइम फ्रेम पर भी और छोटे टाइम फ्रेम पर भी, तो इसलिए मैं यहाँ रेजिस्टेंस के जैसे ये जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ से रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर सकता था, और यहाँ से रेजिस्टेंस जैसे एक्ट किया और मार्केट यहाँ से फॉलो हुआ, और ये जो मेजर सपोर्ट लेवल था ये यहाँ से ब्रेक हुआ, नीचे जो मैंने यहाँ टारगेट का जो ये लेवल लगाया था मार्केट यहाँ तक आया और इसको रिटेस्ट किया, और अगेन मार्केट ने यहाँ से अपना जो मेजर ट्रेंड है फॉल वाला वो कंटिन्यू रखा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने अपनी ट्रेड को कहाँ, फर्स्ट जो ट्रेड थी उसका प्रॉफिट कहाँ बुक किया था, इस कैंडल पर। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने यहाँ बताया होता कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे जो भी हम लोगों को मिल रहा होगा। तो जब हमने यहाँ इसको एग्जिट किया था हम लोगों का यहाँ प्रॉफिट था 2900 रुपीज़ एंड 7 रुपीज़ का, ओके यानी 2907 रुपये का यहाँ प्रॉफिट था। उसके बाद में मैंने छोटी छोटी ट्रेड ली थी और फाइनल हम लोगों का 3500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आज के दिन। के साथ में एक चीज और मैंने आप लोगों को बताना भूल चुका हूँ कि यहाँ से शॉर्टिंग करने के पीछे रीजन क्या था कल के एनालिसिस के हिसाब से। तो दोस्तों अगर यहाँ टॉप टू बॉटम का फिबोनाची लगा करके देखते हैं जो मैंने कल एनालिसिस किया था, ओके तो ये देखिए मार्केट ने यहाँ से एग्जैक्ट 50% के लेवल से इस जोन से ही रिजेक्शन फेस किया है। तो ये मेरा एक मेजर रीजन था कि इस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है, 61% के लेवल को यहाँ से इसने टच नहीं किया, तो मैं यहाँ से कॉन्फिडेंट हो गया था कि मार्केट यहाँ से फॉल होगा और आज के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे ही सस्टेन करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से कॉल को यहाँ से शॉर्ट किया था और यहाँ से फाइनल प्रॉफिट बुक किया है 3548 पे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।